हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बोर्ड में किए गए बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव जो है रेलवे बोर्ड में किया गया है, जो कि उम्र सीमा को लेकर, उसमें ALP और ग्रुप डी दोनों में ही 2 साल की छूट दी गई है। अर्थात कि जो ALP टेक्नीशियन के लिए 28 साल, जनरल के लिए थी तो उसे 30 साल कर दिया गया है। उसी प्रकार जो ग्रुप डी में थी 30 साल के लिए, तो उसको 33 साल के लिए किया गया है, सॉरी 31 साल के लिए थी और उसको 33 साल किया गया, 2 साल की छूट दी गई। दूसरी प्राथमिकता ये थी कि उसने जो पहले ITI वाले भर सकते थे रेलवे ग्रुप डी का, और इसके साथ ही 10th वाले यानी जो मैट्रिक पास है वो भी भर सकते थे, लेकिन अब क्या ये गया है कि उसे ITI हटा दिया गया है। अब ये सारी सीट जो है सिर्फ मैट्रिक पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए ही मान्य होगा। तो ये बहुत बड़ा खबर है कि अब सारे स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। तीसरा बदलाव ये किया गया है कि जो 500 रुपया आपको लगता था वो आपको अब वापस हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा और इसके बाद ही आपको ये जो है फीस वापस हो सकते हैं। तो इस फीस को वापस करने के लिए आपको एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा और उसमें आपका जो 400 रुपया था वो फिर आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और उसके बाद ये परीक्षा जो है दोनों ही अप्रैल या मई में लिया जा सकता है। तो तैयारी बनाए रखें और हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें जरूर इसको। तो धन्यवाद।